नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं आपको बताने के लिए कि जो हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव आप यूज़ कर रहे होते हैं SSD और SSD, उसका स्टेटस चेक करने के लिए कि क्या वो सही काम कर रही हैं, क्या वो परफेक्टली काम कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको चलना है अपने सर्च बार में और यहाँ आपको लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद आप जो है इसको राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करा दीजिए। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे देन दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कमांड, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख लीजिए कमांड। और मैं इसको जो है ये देख सकते हैं WMIC, और ये लिखने के बाद जो है हमें यहाँ से एंटर करना है। ये दोस्तों देखिए, हमने एंटर कर दिया है। अब हम जिस मोड में आ गए हैं, हमको यहाँ पर लिखना है डिस्क ड्राइव गेट स्टेटस, देन हम एंटर करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ स्टेटस ओके लिखा आ रहा है, विच मीन्स कि आपकी जो डिस्क ड्राइव है जो लगी हुई है, जैसे मेरे सिस्टम में दो लगी हुई हैं, दोनों ही ठीक काम कर रही हैं, इसका सीधा सीधा सा मीनिंग ये है। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, अगर आपके में कुछ लिखा आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली यहाँ से पहले एग्ज़िट करना है। ये आप इस मोड से एग्ज़िट कर दीजिए, आप दोबारा से सिस्टम विंडोज़ में आ जाएंगे और यहाँ आपको लिख देना है CHKDSK। ये भी कमांड आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको लिखना है CHKDSK। जैसे ही आप ये लिखेंगे देन आप एंटर करेंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पे ये चेकिंग शुरू होगी और ये सारे जितने भी हमारे जो अंदर ड्राइव बने हुए हैं उनको चेक करेगा, सारी फाइल्स को चेक करेगा, सारे प्रोसेस को चेक करेगा और आपको बहुत जल्द ये दिखा देगा कि कितनी फाइल्स इसने रिकवर की हैं, कितनी फाइल्स ख़राब थी। सारा डेटा, सारा स्टेटस आ जाएगा। देखिए स्टेज 1 में इन्होंने जो एग्जामाइन की जो फाइल्स को, ये दिख रही हैं आपको, 381,696 फाइल रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड, फाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट, 0 वेट फाइल रिकॉर्ड जो है पाई गई, ये जो वेट फाइल्स हैं आप देख रहे होंगे। आपको सेकंड स्टेज पे भी प्रोसेस देखने मिल रही है, 505,000 कुछ फाइल्स को इंडेक्स एंट्रीज प्रोसेस की गई हैं। ऐसे ही देखिए, ये थर्ड स्टेज पूरा हो गया है, वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, विंडो हैज़ स्कैन्ड द फाइल सिस्टम एंड फाउंड नो प्रॉब्लम, ये लिखा आ गया है, नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। KB टोटल डिस्क स्पेस कितना है ये दे रखा है, कितना फाइल्स उसके अंदर हैं, कितनी इंडेक्सिंग है, 0 बेड सेक्टर कितना है, ये देखिए। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही होती तो आपको ये देखने के लिए ज़रूर मिलता। KB इन यूज़ बाय द सिस्टम ऑक्यूपाइड बाय द लॉक फाइल, KB अवेलेबल ऑन डिस्क कितना फ्री है, इन ईच लोकेशन यूनिट, ये इस तरह से दे रखी हैं, टोटल एलोकेशन यूनिट ऑन डिस्क, एलोकेशन यूनिट अवेलेबल ऑन डिस्क, ये पूरा डेटा दोस्तों आपके पास दे रखा है। इस तरीके से आप फर्दर पता कर सकते हैं कि क्या हमारे डिस्क ड्राइव के अंदर कोई दिक्कत है, और बहुत ही अच्छा आसान सा तरीका कंप्यूटर सिस्टम आपको खुद प्रोवाइड कराता है। तो आप भी जाइए अपने सिस्टम को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, PC डेस्कटॉप को, जो भी आप उसे कहते हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको बताया चेक कीजिए और पता कीजिए कि आपकी हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क ठीक चल रही है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू। जैसे ही आप ये देख रहे हैं आप यहाँ से एग्जिट लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपकी स्क्रीन दोबारा वापस आ जाएगी। थैंक यू।